दयाल नीताई चैतन्ना बोले नाचरिया मारवान नाचरिया मारवान नाचरिया मारवान ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम दान दयाल नीताई चैतन्ना बोले नाचरिया मारवान इसलिए श्री नर्तम दास ठाकुर कहते हैं लोचन दास ठाकुर मेरे जो मन है नित्यानंद और महाप्रभु का नाम को लेकर नाच उठे बोले क्यों बोले कभी ऐसे दयालु देखे हो कृष्ण अवतार में अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हुआ भगवान चक्र उठा लिया राम अवतार में रावण कुछ इधर उधर किया तो उन्होंने धनुष उठाया पूरा लंका समेत समाप्त कर दिए लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु इतने दयालु मार खा करके भी प्रेम दिए इसलिए कहते हैं मेरे छी कल सिर काना ताई बोली की प्रेम दीवाना मतलब कितने दयालु हैं कितने दयालु श्री नित्यानंद प्रभु अद्भुत दयालु श्री नित्यानंद प्रभु है इसलिए कहते हैं जो बलदेव प्रभु कदी बलदेव इनका नाम ही बलदेव है बलदेव नाम मतलब क्या है बोले जो भक्ति का जो बल देने वाले कौन है बोले श्री बलदेव प्रभु है जब तक इनकी कृपा नहीं होना तब तक कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए कभी बलदेव प्रभु अभिन्न रूप में क्यों प्रकटित हुए हैं इसलिए कृष्ण और बलदेव प्रभु कहीं अलग नहीं वो एक ही वस्तु है इसलिए वो एक ही वस्तु है पर ये दूसरे रूप में क्यों प्रकटित हुए कारण क्या है इसलिए बृहदारण्य उपनिषद कहता है सर्व नैव रमे नैव रमते स द्वितीय वैचार इतने में जब उन्होंने देखा एक स्वरूप में मैं लीला कर नहीं सकता हूँ उनके बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई और उनकी दाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकटित हुए कभी इतने अभिर न केवल काले और सफेद इतना ही और कुछ नहीं इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत आरंभ करते हैं कहते इनका गुरुदेव कौन है बोले श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव जब श्री नित्यानंद प्रभु को स्तुति करते हैं कहते अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतार कहते मेरे जो गुरुदेव है कहते कृष्ण से कोई अभिन्न नहीं इसलिए उन्होंने दो वचन यहाँ पर प्रयोग करते हैं बस आ जा तो लंबी तो भुजो जैसे महाप्रभु का भुजा भुजा है मेरे गुरुदेव का भी भुजा ऐसे है कनिका बता दो जैसे बलदेव श्री महाप्रभु जैसे गौर सुंदर है गौरवर्ण मेरे गुरुदेव भी ऐसे है कमल आयताक्षौ जैसे महाप्रभु का कमल जैसे आग है मेरे गुरुदेव का भी ऐसे आग है करुणावतारो जैसे उन्होंने कृपा करके आए मेरे गुरुदेव भी कृपा करके आए इसलिए करुणावतारो और युग धर्म पालो जैसे श्री महाप्रभु युग धर्म प्रचार करने के लिए आए उसी तरह नित्यानंद प्रभु भी बलदेव प्रभु भी ये युग धर्म को प्रचार करने के लिए आए इसलिए महाप्रभु जब भेजते हैं हरिदास और नित्यानंद प्रभु दोनों को उन्होंने भेजे सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास अमर आज्ञा सर्वत्र करा प्रकाश प्रति घरे घरे किया मागे विख्या बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी को ही द्वार द्वार में भेजते हैं बोले जा जाकर घर में भिक्षा मांगो बोले किस चीज की भिक्षा है बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसी विषय पर इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उन्हें टीका लिखे महाप्रभु का तो बहुत सारे भक्त थे लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे कारण क्या बड़ी रहस्य की बात उन्होंने बताया है इसलिए श्री बलदेव प्रभु जब उन्होंने कृष्ण अभिन्न रूप में श्री बलदेव रूप में प्रकटित हुए हैं लेकिन प्रकटित होकर के उन्होंने देखा भैया एक स्वरूप में कितना हम सेवा करेंगे अभी तीर्थ महाराज बता रहे थे ना इसलिए शंकर सन कारण तो या साई गर्भोद साई च पयम सी साई से सास जस्यास सकला नित्यानंद क्षम तम राम शरणम प्रपद्ये इसलिए उन्होंने अनंत रूप में अभिन्न रूप में श्री बलदेव प्रभु उनसे शंकर सर फिर उनसे कारण तो साई इसलिए इनके हाथ में जब ये ब्रज में रहते हैं जैसे कृष्ण है
कहते ना वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, उसी तरह जो रोहिणी नंदन श्री बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते और नित्य वृंदावन में रहते हैं, हैं? वो वृंदावन में रहते हैं और जब श्री मथुरा में जब जाते हैं वृंदावन में उनके श्रृंगा जैसे बंसी इनके अस्त्र है, जब वो द्वारका में आते फिर हल मुसल धारण करते हैं, बोले हल से क्या करते हैं, बोले हल से खेती करते हैं, बोले किस चीज की खेती करते हैं, हाँ श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक गोलोक वृंदावन में उनका एक खेती है, बोले वहां पर क्या खेती है, बोले कृष्ण का जितने परिकर है सब के सब श्री बलदेव प्रभु से वहां पर खेती सब के सब प्रकटित होते हैं। दूसरे रूप में जब संकर्षण महासंकर्षण रूप में रहते हैं उनके जितने मथुरा द्वारका में जितने परिकर उनसे ये प्रकट होता है। कहते जब कानंद गोसाई रूप में होते हैं जो बद्ध और जो मुक्त जो दो तरह का जो जीव है, कहते कहाँ से प्रकट हुए, कहते श्री कानंद गोसाई से ही ये सबके सब प्रकट होते हैं और जितने सारे अवतार है कहते श्री कानंद गोसाई से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। श्रेष्ठ रूप में अनंत सच्चा रूप में और उन्होंने कहते खिराब दिशाई रूप में सभी जीव को हृदय में ये खिराब दिशाई रूप में सब जीव का हृदय में ये निवास करते हैं। इसलिए कहते उन्होंने कृष्ण श्री राम लीला में ऐसे कुछ काम करना पड़ा श्री बलदेव प्रभु को, ऐसे कुछ काम करना पड़ा जिसमें बलदेव प्रभु थोड़े से असंतुष्ट हो गए। बोले क्या काम करना पड़ा उनको, दो विशेष करके जो सेवक धर्म से विरुद्ध करना पड़ा, क्योंकि ये सेवक है, सेवक रूप में अभिन्न रूप होते हुए भी कृष्ण से ये अभिन्न होते हुए भी वो करते ही क्या, बोले पंच रस से और दस शरीर से अस्त्र उनका व्यंजन उनकी पादुका उनकी जूता उनके उनकी सिंहासन हर रूप में उनके वस्त्र जनेऊ अलंकार दस शरीर से कृष्ण सेवा करते हैं, दस शरीर से वो कृष्ण सेवा करते हैं, ये सेवक है। लेकिन सेवक होते हुए भी लेकिन कुछ ऐसे सेवक धर्म का विरोध काम करना पड़ा। बोले कौन सा काम, जब पिताजी को ला रहे थे कहां से लंका से, लक्ष्मण को बोले तुम अग्नि सजाओ, लक्ष्मण तो दुखी हो गए, उस समय लक्ष्मण इतने बिगड़ गए राम के ऊपर बिगड़ गए, कहते वो मेरी माँ है आपका मैं विरोध कर सकता हूँ, हाँ ये मेरी माँ है, मेरी माँ को कह रहे हैं मैं बेटा होकर अग्नि परीक्षा करूंगा। फिर भगवान राम समझा या वो असली सीता नहीं वो नकली सीता है, असली सीता को लेना है। दूसरी है जब धोबी बोलने पर हैं वो धोबी बोलने पर उनकी पत्नी को पर सीता को त्याग देना पड़ा, ये लक्ष्मण को देखकर उन्हें त्याग देना पड़ा, इसलिए लक्ष्मण इतने दुखी हुए। बोले और मैं छोटे भैया बनकर के नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मैं बड़ा भैया बनकर के आऊंगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण लीला में उन्होंने क्या किया, श्री दाऊ रूप में श्री बलदेव प्रभु रूप में आए और इसलिए इनको कहते दाऊ दयाल, दाऊ दयाल, क्योंकि बलदेव प्रभु अत्यंत अत्यंत करुणा अत्यंत कृपा युक्त है, क्योंकि जब तक ये किसी जीव को ऊपर में कृपा नहीं करते है ना तब तक कृष्ण कृपा नहीं होता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जिस समय बारंबार श्री महाप्रभु के पास में आ रहे थे लेकिन उनको पिताजी इनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे थे, जब उन्होंने पानी हाथ से मिले पानी खाटी से नित्यानंद प्रभु क्या बोले, बोले तू चोर हो, तू चोर हो, ये संपत्ति मेरी है महाप्रभु मेरे संपत्ति, बिना मूल्य को बोले हुए तू मेरी संपत्ति को हरण करना चाहते तेरे को मैं दंड दूंगा। बोले क्या दंड, बोले चिड़ा दही भक्तों को सेवा करो, चिड़ा दही भक्ति जगत में दंड भी बड़ी बढ़िया चीज है, दंड मतलब बढ़िया उत्सव करो चकाचक भोजन भाव। इसलिए जब उन्होंने सब वैष्णवों की कृपा हुई ना लास्ट में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गए तो वो संपूर्ण रूप में गए, धैर्य तो उनको नहीं ला पाए। बोले क्यों, श्री नित्यानंद प्रभु कृपा इनके ऊपर में, नित्यानंद प्रभु कृपा हो गई इसलिए उन्होंने बलदेव प्रभु रूप में आए और बड़े भैया, बड़े भैया बने तो क्या करना पड़ेगा, छोटे भैया को आदेश करना पड़ेगा, आदेश करना पड़ेगा। अब फिर जब महाप्रभु रूप में आए फिर बड़े भैया नित्यानंद प्रभु बन करके आए और उन्होंने सेवा किया। इसलिए कोई कोई प्रश्न करते हैं, कहते भैया उन्होंने बड़े भाई बन करके आए क्या कृष्ण को शासन करने के लिए, कृष्ण से बड़े बनकर कृष्ण उनका आदेश पालन करेंगे। देखो बोले सेवक, कहते चार तरह का सेवक है, कितने तरह का सेवक है, चार तरह का है। गुरुदेव कहते पहला नंबर सेवक उत्तम, सेकंड नंबर मध्यम, थर्ड नंबर कहते हैं कनिष्ठ और फोर्थ नंबर अधम। इसलिए कहते ये श्रेष्ठ सेवक कौन है, श्रेष्ठ सेवक उसे कहते हैं आदेश देने पर भी
आदेश को उल्लंघन करते हुए जैसे सेवा करें, जैसे पति पत्नी ठंडी की मौसमी है, पति बाहर जा रहे हैं, इतने में पत्नी ने कहा देखो बाहर जा रहे हो एक साल साथ में ले जाओ। बोले नहीं अभी जाऊंगा अभी आ जाऊंगा। बोले नहीं थोड़ा खाना भी ले जाओ, भूख लग गया तो खाना कहाँ से खाओगे। पति मना कर रहे बोले अरे पास में जाऊंगा जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन एक पत्नी उसके आदेश को उल्लंघन करते हुए टिफिन में बड़े सुंदर भोजन दे देती है और एक साल को बड़े सुंदर पैकिंग करके दे देते हैं। अभी बताओ पति खुश होगा ना दुखी होगा? बताओ खुश होगा ना दुखी होगा? खुश हो गए क्यों? महाराज कहते हैं चिल्लो का पति। इसलिए कभी कभी क्या हुआ, हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे ना, हम लोग जानते कि नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे माधव महाराज भी ऐसे करते थे। जैसे गुरुदेव कभी कभी मना करते थे, नहीं अरे क्या जरूरत, लेकिन महाराज कभी कभी मान कर लेते थे क्यों, सेवा करने के लिए ना। कभी कभी मैंने देखा दोनों के अंदर महाराज माधव महाराज लड़ाई हो जाता कि माधव महाराज कहते नहीं आपको शरीर के लिए हानिकारक है, ये चीज को मत खाया करो। लेकिन गुरुदेव कहते मैं खाऊंगा। जैसे गुरुदेव थे बिहार के, उनको दाल पूरी और जो कटहल का जो सब्जी उनको बड़ा प्यारा लगता था। अभी कोई आकर के यहाँ के माता जी आकर के दे जाते थे, लेकिन महाराज बिहार के ना बड़े अच्छा लगता था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया। इसलिए माधव महाराज कहते नहीं इसको खाना नहीं। इसलिए इनके डर से कभी महाराज माधव महाराज किसी काम से भेजते, तुम जाके काम करके आ जल्दी ये काम करके आ जा। माधव महाराज थोड़ी बहुत बताते, अभी जब चले जाते ना फटाफट खा लेते हैं। इसलिए इनको कहते हैं उत्तम सेवक है। क्यों? यदि ये विरोध करके उनकी अच्छे के लिए विरोध करके वो सेवा करते हैं, इसलिए जिनको कहते हैं उत्तम है। कहते ये मध्यम सेवक कौन है? कहते मध्यम सेवक वे हैं गुरु जी की भावना समझ करके, गुरु जी के आदेश होने से पहले जो सेवा कर देते हैं, कहते वो मध्यम सेवक है। बोले कनिष्ठ सेवक कौन है? बोले वे हैं गुरुदेव आदेश देने पर उसको नतमस्तक होकर के गुरु जी का जो आदेश को पालन करते हैं, कहते ये कनिष्ठ सेवक है। बोले भैया अधम सेवक कौन है? कहते गुरु जी आदेश देने पर भी है, कहते एक भ्रमर है, भ्रमर से गुनगुन गुनगुन करता है ना। गुरुदेव ने कहा बेटा ये काम करके आओ। बोले गुरुदेव अगर वहां जाओ वो मिले नहीं तो फिर क्या होगा? अगर और कोई है नहीं, मेरे कोई आदेश सुनना पड़ेगा मेरे कोई है। इसलिए कहते ये सेवक कौन है? कहते देखो एक समय एक गुरु जी ने एक शिष्य को उस समय एक एक रसगुल्ला का कीमत था 1 रुपया। एक समय गुरु जी ने बोले देखो बेटा जाओ बढ़िया रसगुल्ला देख करके रसगुल्ला ना ला। मैंने सुना 1-1 रुपया बड़ा बड़ा रसगुल्ला 4 रुपया दिया। अभी शिष्य गया जाकर बोले गुरु जी बोले देख करके लाना बढ़िया होनी चाहिए, खाए वगैरह पता कैसे चलेगा बढ़िया की बढ़िया थी। उन्होंने 1 रुपया देकर पहले खा लिया, बोले वाह रसगुल्ला बहुत बढ़िया। अभी 3 रुपया में उन्होंने 3 रसगुल्ला खरीद किया। अभी गुरु जी सोच रहे हैं, अभी वो चला सोच रहे हैं गुरु जी तो मेरे शत्रु नहीं मित्र है, गुरु जी को बेजोड़ा कैसे दू, 3 तो अमंगल है, इसलिए 1 खा लिया। और उसको अब बच गया 2। बोले मैं जो कुछ चीज लेता हूँ ना गुरु जी जब तक मेरे को नहीं देते तब तक गुरु जी खाते हैं, गुरु जी तो जरूर मेरे को देते हैं, गुरु जी को कष्ट क्यों करना पड़ेगा, पहले से खा लो अपने आदेश ले लो। इसलिए उन्होंने और 1 ले लिया। अभी बच गया 1। जब 1 रसगुल्ला लेकर गया गुरु जी ने कहा बेटा तेरे को 4 रुपया दिया था रसगुल्ला 1 कैसे? बोले गुरु जी आपने बताया ना देख करके लाना, अभी खाए बगैर पता कैसे चलेगा बढ़िया की बढ़िया नहीं, इसलिए 1 खा लिया। बोले 3 मेरे कहाँ गया? बोले गुरु जी आप तो मेरे मित्र है ना, आप थोड़ी शत्रु हो, इसलिए आपको बजुड़ा कैसे दू, इसलिए 1 खा। बोले फिर 2 कहाँ गया? बोले गुरु जी जो कुछ चीज मैं लाता हूँ ना आप तो हर समय मेरे को देते हो, इसलिए मैंने कहा आपको क्यों कष्ट करना पड़ेगा, मैंने खा लिया। गुरु जी ने कहा तुमने कैसे खाया? बोले कैसे खाया उठाया बस मुंह में डाल दिया। बोले गुरुदेव हमने ऐसे खाया है। कभी ये कौन सा सेवक है? कभी ये अधम सेवक है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु ये आदि गुरु है। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ये धेनु का स्वरूप बलदेव प्रभु ने ये धेनु का स्वरूप बंद किया। धेनु का स्वरूप कौन है? बोले ये अज्ञान और ये अविद्या का प्रतीक इसलिए धेनु का स्वरूप है क्योंकि हमारी अंदर में भी एक गाधा गुण बैठा हुआ है। हम लोग कहते ना तू क्या गधे हो, बोलते ना तू क्या गधे, गधे मतलब ऊपर काली देते हैं,
इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गर्धवे रमता मी कारी परिश्रामा हे तो करी ना तकारी ना भोचे लभ्रामा गर्धवे रमता मी कारी परिश्रामा हे तो करी कार लागे ना भोचे लभ्रामा। इसलिए उन्होंने कहते हैं गधे जैसे दिन भर परिश्रम करता है लेकिन उसको पीठ में चावल डाल कर ले जाते खाते क्या भूसा, उसी तरह हम भी संसार में गधे जैसे हाँ भैया किसके लिए कर रहे हो, दुनिया है किसका, किसका दुनिया है, ये झूठा संसार है, क्यों गधे जैसे दिन भर परिश्रम करते हो। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर दूसरे भजन में कहते हैं सही गाधा हो संसार बहिनो आने का काल। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं भागवत में कहते हैं सबीट बढ़ा वस्त्र धरई सस्तु सब पुरुष पशु, जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन बावजूद भी हरि भजन नहीं करते हैं, भगवत कथा नहीं सुनते, गधा सुअर और उनको ऊंट और उनको कुत्ता कुत्ता बोल करके शास्त्र में उसको गाली देता है जो भगवान की भजन नहीं करते हैं। इसलिए गाधापन को कौन दूर करता है, श्री बलदेव प्रभु ही ये गाधापन को दूर करके जीव के हृदय में दिव्य आलोक दिव्य ज्ञान को श्री बलदेव प्रभु ही ये चीज को दूर करते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु एक राक्षस द्विविध बंदर को उन्होंने बंद किया, ये रामावतार में ये राम का तो बड़ी सेवा किया लेकिन लक्ष्मण को बोलता ये क्या जाता कुछ नहीं, लेकिन फिर वही अपराध बढ़ते बढ़ते जब कृष्णावतार में आए फिर जन्म लिया, फिर उन्होंने असत संग से फिर उन्होंने बलदेव प्रभु जब जल विहार कर रहे थे फिर उन्होंने बड़े बड़े गति गति हरकत किया, बलदेव प्रभु सोचा सो क्षमा करते कि कृष्ण सेवा की बलदेव प्रभु का, लेकिन जब चाहता किया ना बलदेव पकड़ कर खेचे और मारे उन्होंने कुशल से मार करके तसनस कर दिए। बोले मतलब क्या, बोले मतलब है जो व्यक्ति ये चीज को समझो द्विविध मतलब भगवान और भक्तों को जो दो जानते हैं बोले नहीं भक्त कौन है गुरुदेव कौन है, बोले कृष्ण का अभिन्न प्रकाश है। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए कृष्ण कहते स्वयं श्री गुरुदेव रूप में हुए। इसलिए कहते ना संसार दावा नल लीध लोक त्राण आय कारुण्य घन घनत्व, कृष्ण की जो कृपा मूर्ति ये गुरुदेव रूप में प्रकट होते ये कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए जैसे हम कृष्ण को सम्मान देते हैं वैसे ही देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, उसी तरह गुरु जी को वैष्णव को भी बराबर सम्मान देने चाहिए। इसलिए बलदेव प्रभु बहुत बहुत अच्छी अच्छी लीला की, श्री बलदेव प्रभु का चरण में आए इनकी कृपा से बल मिलता है, इनकी कृपा से ही जीव को ये धीरे धीरे ठाकुर जी के पास में ले जाते हैं। हम लोग बड़े अपराधी बड़े करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप को हम लोग लेकर के आए, इसलिए बलदेव प्रभु कृपा करे कि बलदेव प्रभु रूप में जो गुरु वैष्णव है ये अभिन्न रूप में अभी श्री बलदेव प्रभु रूप में हमारे ऊपर पहले गुरु वैष्णव कृपा हुई, कृपा हो तो फिर बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु जाकर के हम कहीं कृष्ण सेवा तक ले जा सकते हैं। इसलिए सबको ऊपर बलदेव का कृपा हो आशीर्वाद हो वंशा गल गुरु कृपा सिंधु।